मैम यहाँ पे मारो मारो मैम लुक हियर कौन सी लाइट मार भाई या पोस थैंक यू मैम फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा फील हो रहा है क्या बोलना चाहोगे आई एम फीलिंग ग्रेट मोबाइल या तो रख लूं या तो फिर कंटिन्यू या आई एम फीलिंग ग्रेट आई हैव ऑलवेज ग्रोन अप यू नो लिसनिंग टू बिन तेरे सनम इट्स बीन वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स इन द 90s एंड डूइंग द रिक्रिएटेड वर्जन ऑफ इट आई थिंक आई एम ब्लेस्ड बिकॉज लिसनिंग टू दैट सॉन्ग एंड नाउ डूइंग इट ऑन इट्स ओन आई थिंक इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी 1991 की ये फेमस सॉन्ग की देखा जाए तो फिर और इसी सॉन्ग से मूवी का नाम तक अभी तक लेते हैं इन लोग के yeah. तो इसी सॉन्ग से मूवी का पैसा कोई प्रेशर था देखा जाए तो सॉन्ग करते कि कुछ खराब हो जाए नॉर्मली काफ़ी सॉन्ग्स भी खराब हुए हैं रिक्रिएट में No, I think मैं because one is Venus Worldwide Entertainment. They have always made some beautiful songs. So you don't have that pressure that the song will be not right or something like that. I think and plus when I heard the song, I was just onto it that I really want to do it because it's one of the most beautiful numbers. And when they have recreated it, it's come I think even more beautiful for me. Chemistry, yeah, of course. I think while doing the song also, you can see it on the screen. It's just showing there. So I'm very happy. I can say. Actually, when we shot, it was all in the snow. We shot. The temperature was so low, and there was so much of snow. The locations were beautiful. So I think आधा आपका तो वहीं निकल जाता है location देख के कि ठंड लग रही है या नहीं. So I had great fun while shooting. Plus the team is so nice, and we all had so much fun. So I think the shoot went with the locations were absolutely beautiful. I felt I'm in heaven, honestly. लॉट ऑफ मोमेंट्स आई थिंक एवरी मोमेंट वॉज वेरी फनी बिकॉज वैन यू आर शूटिंग इन कोल्ड एंड यू आर जस्ट शिवरिंग देयर एंड वैन द इट हैज टू बी अ टेक यू हैव टू बी ऑल नॉर्मल एंड डूइंग इट सो इट वॉज ऑल फन आई थिंक थैंक यू सो मच थैंक यू Sure. Yeah. Right. Thank you. क्या कहना चाहेंगे आज कितने एक्साइटेड हैं आप कौन से आप बहुत ही पसंद किया जाना I'm really happy and I'm really thankful to Venus and Champak sir to give me this opportunity. It's fantastic and I'm sure people will love it too because हमारा जो last song था वादारा सनम सब लोगों ने बहुत पसंद किया था और हर किसी को वो गाना देख के बहुत खुशी मिली थी and I'm sure this तेरे सनम will create a same magic in audiences. So yes, I'm very happy here. Thank you. नहीं देर वॉज नो प्रेशर एब्सोल्युटली देर वॉज नो प्रेशर बिकॉज पता था हम लोग क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली सो वो एक आइकॉनिक सॉन्ग था उस एरा का ये फिर से रिक्रिएट किया है ये फिर से इसको अरेंज किया है और सिंगर्स ने क्या कमाल काम किया है इसमें वाओ
I'm really thankful to Bhumi Trivedi and Bilal कि they have sung it so fantastically कि उसके बाद हम जो सुन के जब हम उसपे acting करते हैं तो करने में एक अलग ही feeling आती है. Venus is like a home to me and so Venus is like a home to me right now. Basically the past song was with them and Champak sir is always like a father to me. I always look up to him like a blessing. Sir ne mujhe mauka diya. Our last song bahut hit tha market mein. Everybody have loved it worldwide and I'm sure this Bintere Sanam will create more magic in the market. The last कमाल के सिंगर हैं वो एंड उनके मैंने पहले ही बहुत सारे गाने सुने हैं तो कनेक्ट करने में टाइम लगा नहीं मेरे को. इट वॉज जस्ट फ्यू सेकेंड्स द रिदम गोज इन टू माई हेड. उनके लिरिक्स थे, उनकी आवाज़ थी एंड द मैजिक इज इन फ्रंट ऑफ यू. सो यू ऑल सी इट हियर. हमने प्रोमो देखा आपका और कशिश का, केमिस्ट्री काफ़ी यूनिक और काफ़ी नया. राइट, उसके बारे में बताना चाहूँगा किस तरह से. कशिश बेसिकली शी इज़ अ नेचुरल एक्टर और हमें इतनी साथ में एफर्ट्स करने नहीं पड़े. इट जस्ट कम्स टू अस वेरी नेचुरली. एक इंट्रैक्शन एंड उसके बाद जो मैजिक था दैट वॉज ऑल लोकेशन म्यूजिक एंड सिनेमाटोग्राफी. सो इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस. सो इट वाज इजी नॉट सो हार्ड. थैंक यू. थैंक यू. Done. यहाँ पे सर वेट सर थोड़ा सा. सर एक मिनट सर यहाँ पे. थैंक यू सर. देखिए ये ऑलरेडी ये गाना बिंदरे सनम जो सॉन्ग है वो पहले भी ऑलरेडी इतना बड़ा हिट है जो शाहरुख सुल्तान साहब ने और जतिन ललित जो उसके मेन म्यूज़िक डायरेक्टर हैं इन्होंने क्रिएट किया हुआ था गाना. इतना बड़ा हिट गाना है जो इसके पहले मैंने वादारा सनम किया था. तो मुझे लगता है कि इसके बाद बिंदरे सनम एक ऐसा गाना था जो मतलब कल्ट है, जो हर जगह मतलब यंगस्टर में बहुत पॉपुलर है. चाहे वो एक्चुअली दिखता है तो रोमांटिक सॉन्ग है लेकिन रोमांटिक के अलावा ये पब में भी बजता है, यू नो, डिस्को में भी बजता है. तो हम लोग ने ये गाना चुना था. तो ये गाना बनने के बाद फिर हमने म्यूज़िक डायरेक्टर
इसमें इसको रिक्रिएट कैसे किया जाए। देखिए ये जो गाना अभी हमने बनाया ना, वो सिर्फ हमने मुखड़ा यूज़ किया, हमने पूरा गाना देखेंगे ना तो लिरिक्स पूरे डिफरेंट है, सिर्फ वो हुक लाइन जो बिन तेरे सनम की वो इम्पोर्टेंट है, तो वो कि वो आज के जनरेशन को टच करें, तो इसके लिए हमने वो उस लाइन को यूज़ किया है। लेकिन जो म्यूज़िक विक्रम ये मोंटोरस जो नया लड़का है, उसने उसको पूरी तरह से नया गाना बनाया, उसका अरेंजमेंट बिल्कुल ही लग नहीं रहा है कि पुराना गाना, यू नो, तो वो एकदम नया गाना बन गया। और उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि भाई इसमें सिंगर क्या किया जाए, तो सिंगर के तौर पर हमारे पास बहुत सारे चॉइस थे इसके लिए, लेकिन बिलाल करके एक नया लड़का आया, तो उसने भी इतना अच्छा गाया, जब एक बार ऐसे मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर ने रफ़ सुना के भेजा था, तो मैंने जब उसको सुना तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद जब लेट फीमेल की में भी बहुत हमने सिंगर ट्राई किए, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें भूमि त्रिवेदी जो बहुत ही जिसने रामलीला के भी गाने रासलीला के गाने गाए, तो वो भी बहुत पॉपुलर थी, तो उन्होंने गाया तो आई वॉज़ वेरी इंप्रेस। ये सब होने के बाद गाना तैयार हो गया, तो अब हमने फिर आगे हमने सोचा अभी इसको पिक्चराइज ऐसा कुछ यूनिक किया जाए कि भाई पुराना गाना तो अच्छा ही था, पिक्चराइज भी अच्छा हुआ था। तो फिर हमारे डायरेक्टर साहब इसमें आए, रॉय साहब के साथ मैं बहुत काम कर चुका हूँ पहले भी, वादारा सनम इन्होंने किया हुआ है, और पहले भी अर्लियर भी मेरे पास इन्होंने काफ़ी काम किया हुआ, अच्छा काम करते हैं वो। तो इन्होंने मुझे बताया कि सर हम ये गाना बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसकी लोकेशन डिफरेंट होनी चाहिए थोड़ी, और लोकेशन के अलावा इनका मतलब कि इसमें कास्टिंग बहुत करेक्ट होनी चाहिए, कास्टिंग और लोकेशन, और उसके बाद तो ये खुद डायरेक्टर हैं तो ही नोज़ हिज जॉब। फिर हमने डिसाइड किया कि हम कश्मीर में इसको कश्मीर में शूट किया जाए, इन्हीं का आइडिया था, तो वो भी हमें ऐसी एक सिचुएशन में मिल गई कि वहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस भी थी वहाँ पे, लेकिन उस टाइम उस पीरियड में हम उसके 2-3 दिन पहले ही चले गए, तो वो गाना वहाँ शूट हो गया। और जो यहाँ पे इसमें लड़की लड़के आप देख रहे हैं कि अपने विपिन शर्मा और कशिश वोरा, ये जो दो पेयर है एकदम फ्रेश लग रहे हैं और बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, और दोनों ने इतनी मेहनत की है, ये लोग पहले बाहर भी काम कर रहे हैं इसे, और ये लड़की जो कशिश वोरा है वो ऑलरेडी साउथ की 2 फिल्में कर चुकी है, कर भी रही है, शूट भी चल रहा है इनका, बहुत मेहनती लड़की है, और अच्छा लिपसिंग किया इसने, अच्छा काम किया है। एक्सप्रेशन देखिए, आप जब गाना देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें कोई नई ऐसा, आपको उसको देख के उन पेयर को लगेगा नहीं कि नए हैं एकदम, यू नो, कभी कभी होता है कि हम लोग गाना शूट करते तो कोई चीज़ कमी रह जाती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा, इसमें बहुत अच्छा हो गया। तो ओवरऑल जो सारा पैकेजेस है, जैसे कि लिरिक्स राइटर भी है इसमें, नया लिरिक्स राइटर, बहुत सारे लोग नए हैं इसमें, लेकिन गाना देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं यार, ये गाने में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि ये किसी अच्छे गाने से कंपेयर ना किया जाए, तो एक ही बड़ा। हमने नए लड़के लड़की को क्यों लिया, हमें ये गाना, क्योंकि पुराना गाना तो बहुत ही अच्छा ही था, और ये नए गाने में हमने विपिन के साथ, हमने ऑलरेडी वादारा सनम में काम किया हुआ है तो वो नया नहीं है, और ऑलरेडी वो उसने करीब 200 एड फिल्म्स किए हुए, तो इज़ अ वेरी पॉपुलर फेस। और कशिश को हमने लिया क्योंकि वो बहुत मतलब एक फ्रेश फेस था, स्वीट लुकिंग थी, इसके वजह से हमने उसको कास्ट किया। चैलेंजिंग तो था क्योंकि पुराना गाना इतना हिट था, तो इसके वजह से हमने ये गाने को टोटली, और गाना भी एक नए फॉर्म में था, तो हमने इस गाने को सोचा कि एक अच्छा लोकेशन पहले तलाश करते जहाँ पे हम ये गाना शूट कर सकें, और फिर हमें लोकेशन मिली, फिर स्टोरी बोर्ड बनाया, और फिर हमने शूट किया। किससे बचने के लिए? कॉपीराइट तो पुराना गाना तो वीनस के पास ही है, वीनस का ही है, और ये भी गाना हमने वीनस के लिए किया है, तो कॉपीराइट का तो कोई सवाल ही नहीं है। सर देखा जाए तो प्रोमो की बात करें तो प्रोमो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, और काफ़ी ठंड में शूट हुआ है, देखा जाए तो हमने -15 में शूट किया है। प्रॉब्लम तो काफ़ी हुई थी हमें। एक्सपीरियंस शेयर करना मतलब हमने कास्ट के लिए बताया जा सकता है कि हमने हर शॉट के बाद उन्हें ब्लैंकेट से ओढ़ा जाता था, और उसके बाद फिर थोड़े देर वेट करके फिर हम ब्लैंकेट हटाते थे, फिर शॉट लेते, धूप आती थी जाती थी, इतनी हवा थी वहाँ पे, तो ठंड में हालत सबकी बहुत ख़राब थी। कॉन्ग्रेचुलेशन भूमि।
एक ऐसा सॉन्ग है जो अपने में काफी फेमस है, वो भी काफी उस एरा का सबसे बड़ा सॉन्ग है। इसमें अपने हवा दे कृष्णा मूर्ति को आपने, उनकी कविता मूर्ति को, आप प्रेशर तो मतलब अभी भी है और ज़िंदगी भर रहेगा प्रेशर, क्योंकि सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगी वीनस को, चंपक जैन जी को जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, और ऑफ कोर्स नीरज मिश्रा जी जो ऑक्टेव एंटरटेनमेंट के ओनर हैं, उनको मैं दिल से शुक्रिया अदा देना चाहती हूँ, क्योंकि ये गाना कम्प्लीटली अनमैचेबल है। चाहे आप कितने भी कवर्स निकाल लें या कितने भी उसको रिवैम्प कर लें, कितना भी रिक्रिएट कर लें, लेकिन जो एक ओरिजिनल गाने का जो चार्म है वो कभी नहीं जाता है और वो हमेशा रहता है। लेकिन उसको, उससे इंस्पायर होते हुए जो आप गाना बनाते हो, वो जो एटमॉस्फेयर अभी बहुत हेल्दी हो चुका है, इन सब चीज़ों को, रिक्रिएशन को, रिवैम्पिंग को एक्सेप्ट करने की जो एक स्पिरिट है वो बहुत ही पॉजिटिव है। क्योंकि अभी सारे मूवीज़ में कहीं ना कहीं एक दो गाने ऐसे हैं जो पुराने, आई थिंक पुराने 90s या 80s के डेकेड से लिए गए हैं, और उन सभी गानों को रिवैम्प करके प्रेजेंट किया जा रहा है, जो आई थिंक अभी की जो जनरेशन है वो भी पसंद करती है। और एक मैसेज ये भी जाता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गाने शायद कहीं अगर खो गए हैं, तो अभी की जो ये ट्रेंड निकला है रीवैम्पिंग का, वो शायद वो हेल्प कर रहा है जो अभी की प्रेजेंट जनरेशन है उसको ये बतलाने के लिए कि पहले के गाने भी बहुत प्यारे थे, और हम उन्हीं गानों को लेकर शायद और रिक्रिएशन और हमारी, हमारे यू नो व्हाटएवर बेटर वी कैन डू, सो उस चीज़ से हमारी ये हमेशा से कोशिश रही है कि हम कुछ अच्छा ही प्रेजेंट करें, हम किसी के साथ कम्पीट नहीं कर रहे हैं। बस ये एक जो लोग समझते हैं शायद कि कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को रिक्रिएट करते हैं, तो हम कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हम सिर्फ उस गाने से इंस्पायर होके हम और कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं। और आई थिंक ये गाना नहीं होता तो शायद बिन तेरे सनम ये इतना बड़ा ये इवेंट नहीं होता, बिन तेरे सनम गाना नहीं होता, रिक्रिएट नहीं होता, तो शायद आई एम रियली थैंकफुल एंड थैंकफुल टू उदित नारायण जी, कविता कृष्णमूर्ति जी, ललित जतिन ललित जी जिन्होंने इस गाने को बनाया है, और पूरी टीम आई थिंक जितने भी एक्टर्स एक्ट्रेस रहे हैं, जो पूरी फिल्म जिसके थ्रू ये गाना हिट हुआ है, आई थिंक वो हिट नहीं होता तो शायद हम इंस्पायर होकर आज गाना नहीं बनाते। तो द फर्स्ट क्रेडिट गोज टू जिन्होंने ओरिजिनल जो गाने के मेकर्स हैं उन सबको ये क्रेडिट जाता है, और उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम आ मेरी जिंदगी, बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम आ मेरी जिंदगी, हो आना ही पड़ा सजना जालिम है दिल की लगी, हो आना ही पड़ा सजना जालिम है दिल की लगी। थैंक यू सो मच। एंड और वन मोर थिंग दैट आई वुड वांट टू ऐड इज कि आई थिंक कशिश एंड सॉरी मैं इनका नाम भूल रही हूँ, कशिश एंड विपिन, ऑफकोर्स उन्होंने बहुत अच्छा एक्ट किया एंड सिनेमाटोग्राफी इतनी प्यारी रही है, एंड ऑफकोर्स विक्रम जी और बिलाल ने बहुत अच्छा गाया है, शेखर जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, एंड एवरीबडी आर आई थिंक कोरियोग्राफर जो है हमारे अक्षय जैन जी, एंड जिन्होंने डायरेक्ट किया है सायन रॉय जी, सभी को मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ, बिकॉज ये शायद टीम वर्क इस तरह से पावरफुल नहीं होता तो शायद ये गाना लोग पसंद नहीं करते, और बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं सभी लोग, और आज ही रिलीज़ हुआ है गाना और ऑलरेडी बहुत सारे व्यूज़ मिल चुके हैं, एंड थैंक्स टू ऑल। मैम देखा जाए तो ये 91 के बाद में 2-3 बार ये ऑलरेडी रिक्रिएट हो चुका है सॉन्ग में, जी। तो जब आपके पास ये ऑफर आया तो क्या माइंड में क्या था फर्स्ट टाइम में? मैं बिल्कुल खुश हो गई थी, क्योंकि ये ऐसा ही गाना है कि शायद किसी और भी सिंगर को आई थिंक 25 साल बाद भी अगर ये रिक्रिएट होता है, और जो सच्चा सिंगर है, जो सच्चा आर्टिस्ट है, वो डेफिनेटली इस गाने को पहली बारी में हाँ बोलेगा, क्योंकि ये गाना ही इस तरह से है, और आप भी देख सकते हो, शायद आपने ही सुना होगा इस गाने को, तो यू ऑल्सो वुड लव इट। और जितने भी रिक्रिएशन अभी तक हो चुके हैं बिन तेरे सनम के, सारे हिट हैं, तो आई थिंक अगर लोगों को पसंद आया तो आई एम श्योर कि यू नो पीपल विल सिंग दिस। थैंक यू, थैंक यू।
यहाँ पे डन And I welcome you all on the launch of our new single, which is Bin Tere Sanam. Abhi ye gaane ke baare mein kaun nahi janta hai? The original one, we noticed actually, suna, usko piya, aur aaj tak, jab bhi romance ka mood hota hai, ye gaana hum gungunate hi hai. So 1991, jump directly to 2018, we have got one more version, jo waqai aapko goosebumps la dega. So let me introduce you all, the whole team of Bin Tere Sanam. So I request the team to kindly come on stage. Producer Champak Jain, director and DOP Sayan B. Vora. I'm sorry for that. Sayan B. Roy. Chota chota aise ho jata hai. All right, so featuring Vipin Sharma and Kashish Vora. You can clap, come on, yeah. Music recreated by Vikram Montrose. Vikram. Our amazing singers, Bhumi Trivedi and Bilal. Wow. Woo! Both the ladies look stunning today. Yeah. All right, so additional lyrics by Shekhar Astitwa. And our choreographer, Akshay Jain. Whoa! So here we have the whole team of Bin Tere Sanam. And now we're gonna show you the whole masterpiece, which is gonna be right there. Alright, so now I request all our media and friends, wait, please don't go away. Let's check out the video right here. I request the team to kindly unveil the CD. And I would like to call upon DJ Shazwal up on stage. सबसे पहले तो मैं पूरी पूरी टीम का धन्यवाद करूंगा आप लोग आए यहाँ पर उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्रिया. एक्चुअली ये गाना आपने देखा है कि 1990 का गाना है जो अपने शाहरुख भाई शाहरुख सुल्तान साहब आप जानते ही होंगे उनको और जतिन ललित जो म्यूज़िक डायरेक्टर इसके ओरिजिनल इन्होंने इतना अच्छा गाना बनाया इतना सुपर हिट हुआ जो आज तक मतलब हर जगह और बेसिकली रोमांटिक गाना होने के बावजूद भी ये दिस सॉन्ग ऑलवेज प्लेइंग द डेस्क वगैरह जितने भी यंगस्टर पब में बसता है ये गाना. तो सबसे पहले तो हमने वादारा सनम किया था उसके डायरेक्टर भी सैन ही थे और उसके बाद जब हमने ये गाना सिलेक्ट किया तो वादारा सनम करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था. तो सबसे पहले तो हमारे विक्रम जो आपके सामने कहाँ गए हाँ विक्रम इतने मैं आपके बता दूँ कि ये इतने गुणी है कि चंद दिनों के बाद आपको ये लगेगा कि हर फिल्म का म्यूज़िक यही करेंगे क्योंकि ये इतने गुणी है और इतने टैलेंटेड है. इनके लिए एक बार ताली बजाएं क्योंकि ये मतलब इन्होंने इतनी मेहनत की इस गाने को मतलब पूरे करके उसके बाद उन्होंने मुझे सुनाया बहुत बार चेंजेस हुए सफर हुए. फिर हमारे जो राइटर हैं राइटर साहब जिन्होंने ये गाना तो मजरू साहब का लिखा हुआ आपको पता है कि इसकी एक लाइन भी हम कहीं उसके बारे में बात करना भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी लेकिन इन्होंने इसको उस मुखड़े को इतना अच्छी तरह से निभाया है. उसके बाद जब ये गाना तैयार हो गया तो ये पिक्चराइजेशन के लिए हमारे पास आया तो हमने सबसे पहले तो रॉय साहब को हमारे गाना सुनाया. रॉय साहब का कॉन्सेप्ट अच्छा था. उसके बाद कास्टिंग की बात आई तो
विपिन और कशिश हो रहा आपके सामने है। विपिन तो मेरे साथ पहले भी काम कर चुके हैं, कशिश ने पहली बार काम किया। दोनों ने आपने देखा कि लिप सिंक कितनी खूबसूरत कर रहे हैं, लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, ऐसे पता ही नहीं लग रहा, मुझे तो नहीं लगा कि ये लोग मेरे साथ पहली बार काम कर रहे हैं। और जहाँ रहा सिंगिंग का सवाल है, तो हमारे साथ बिलाल है, ये भी नए बढ़ते सितारे हैं, और भूमि जी तो पहले ऑलरेडी सुपर हिट है। इन्होंने इतना अच्छा गाने को गाया, तो सारी टीम और हमारे अक्षय जैन साहब, सभी लोगों का, पूरी टीम का इतना अच्छा मतलब योगदान रहा इस पूरे एल्बम के लिए। सो आई एम वेरी एक्साइटेड और मैं बहुत खुश हूँ कि ये गाना हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है, पब्लिक उसको जितना ज़्यादा पसंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। सो भाई गाना पसंद आया? आवाज ही नहीं है, अच्छा लगा कि नहीं यार? थक चुके हैं लगता है, खा पी के सेट हो गए हमारी वीडियो आज। सो नाउ आई रिक्वेस्ट द होल टीम टू काइंडली अनवील द सीडी। कैन वी गेट इट? या, थैंक यू। Why not? I think I would love that. Media would love that. भाई इतना प्यारा गाना हमने देख लिया, सुन लिया, लेकिन जब आप सामने हैं और आपको बिना गवाए कैसे भेजेंगे? प्लीज लेट्स लेट्स यू ऑन द हिल देन। ऑलराइट, ना दिल पे कोई जोर है ना खुद पे ही इख्तियार है, खुद से भी ज्यादा धड़कनों को तुझ पे ही एतबार है। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम आ मेरी जिंदगी, बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम आ मेरी जिंदगी। हुआ ना ही पड़ा सजना जालिम है दिल की लगी, हो आना ही पड़ा सजना जालिम है दिल की लगी। कंग्रेचुलेशंस टू द होल टीम। आई टेल यू व्हाट, रोंगटे खड़े हो गए जैसे ही आप गा रहे थे यहाँ पे बिलाल सिरी सी। ऑलराइट, इट्स अ टीम, ऑल द बेस्ट फॉर द सॉन्ग एंड थैंक यू सो मच मीडिया। भाई कशिश खो गई है कहीं पे, अच्छा मुझे कुछ बोलना है? Please, both of you, please share your experience. I'm really thankful to Venus, Champak sir, and our most talented director, Sain V. Roy, Bhumi, Bilal, Vikram, Akshay, Kashish, and sir, jinhone gaana likha hai. I'm really thankful to each and everyone here because aapki mehnat se ye gaana yahan tak pahuncha hai, and agar ये गाना यहाँ तक नहीं पहुँचता तो आज हम लोग ये शूट नहीं कर पाते। इट वॉज फैंटास्टिक, द एक्सपीरियंस इज अमेजिंग एंड आई एम श्योर द नेशन इज गोना लव इट बिकॉज द साउंड, द म्यूजिक, द मैजिक, इट्स ऑल देयर। सो आई एम श्योर एवरीबडी इज गोना लव इट एंड इट विल बी अ सुपर हिट सॉन्ग ऑफ द एरा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। I'm really grateful to everybody. First, I want to thank media for coming here and being so nice. I want to thank Champak sir, Venus Worldwide Entertainment, and the whole team for being so nice. And whatever the song has come up with, it's everybody's hard work. I just want to say thank you to each and everyone. Thank you.
So now you would like you saying something because music ko bhi recreate aapne kiya hai Vikram. So yeah. No, not singly. Just share an experience how it was. Well, I feel very opportunate. And thanks to Champakji for giving me this cult song because as we all know that it's a classic song. And yes, I was very nervous how I'm gonna usko kaise remake karenge aur kaisa sound hona chahiye. But then you know, I'm lucky that we came up with something which is for the new generation. They're gonna, I hope they love the song. And Bilal is amazing, Bhumi is amazing. And then when we saw the video, we were all blown away. Thanks to Sian and you know, both of them, they look amazing. Their chemistry is just out of the world. So I just hope it works. And thank you so much. So ab baari aati hai director sahab ki. थोड़ा सा सर आगे आ जाइए आप मेरे साथ में एकदम खड़े हो गए सो सर प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट द होल वीडियो वी वर शूटिंग इन -15 डिग्री एंड आई'd लाइक टू थैंक विपिन एंड कशिश कि इन्होंने इतना सपोर्ट किया और इतने ठंड में भी हमारे साथ काम किया एंड आई'm थैंकफुल टू चंपक सर कि उन्होंने मुझे इस वीडियो में डायरेक्ट करने का मौका दिया एंड आई'm थैंकफुल टू द एंटायर टीम And Jagrut was also there with us. Very active. Very active. thank you. Thank you, everybody. Thank you, media, once again for being a part of this launch. I hope ye gana aap sabhi ko waqai bahut pasand aayega, and it is available on all the leading digital platforms. So download kariye, suniye aur sunaiye. Thank you, team. Best of luck. Thank you. Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, आपकी फिल्म द ग्रेट लीडर आ रही है, इस पर कुछ रोशनी डालिए। रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है, और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर। एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं। तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये
निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।